अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सलमास मिनी किचन। आज हम बना रहे हैं फुल गोभी और मटर की सब्ज़ी। देखिए बहुत टेस्टी बनती है। चलिए मैं आपको इसका इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। यहाँ मैंने ली हूँ 1 किलो फुल गोभी, जिसको इस तरीके से अच्छे तरीके से धो ली हूँ, जिसके अंदर चेक करना, इसके अंदर बारीक बारीक कीड़े होते हैं, इसको अच्छे से साफ़ करना है। और इसको मैंने 3 से 4 पानी में धो ली हूँ। अब हम इसको साइड में रखेंगे। यहाँ ली हूँ मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको इस तरीके से बारीक चॉप कर ली थी। और यहाँ मैं मेरे टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्ची ली हूँ, 10 से 15 हरी मिर्ची, और यहाँ 2 पत्ते करी लीव्स की ली हूँ, इसको भी साइड में रख देंगे। यहाँ ली हूँ मैंने 1/2 किलो हरे मटर। देखिए इसको इस तरीके से साफ़ करके धो कर ले ली हूँ मैंने। अब मैं यहाँ कढ़ाई चढ़ा लूँगी। कढ़ाई के अंदर मैं 1 कटोरी भर के ऑयल डाल दूँगी, ये रिफाइंड ऑयल है। इसके अंदर मैं अभी फुल गोभी को डालकर हल्का सा फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्का सा पिंक शेड आने तक के हमें इसे फ्राई करना है। और फास्ट गैस पर मैं इसे अच्छे से फ्राई करती जाऊँगी। देखिए बस इतना ही करना है हमें, ज़्यादा नहीं करना है वरना ये फूट जाते हैं। बस इतना ही करके मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। इसको अच्छे से ऑयल को छान छान के मैं भाजी को बाहर निकाल लेती हूँ। अब ये देखिए इस तरीके से, अब ऑयल बहुत ज़्यादा है, इसको मैं निकाल लूँगी। और फिर इसके अंदर मैं प्याज, हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता ये सब ऐड कर दूँगी। देखिए प्याज और हरी इतना बारीक बारीक चॉप की हूँ मैंने, आप भी इसी तरीके से चॉप करना। अब कढ़ाई में मैं 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर दूँगी, और इसमें डाल देंगे हम कड़ी पत्ता। पहले थोड़ा ये भून लेंगे, इसे मैंने कड़ी पत्ता भी ऐड कर ली हूँ। आपके पास अगर लहसुन होगा तो प्लीज़ इसमें लहसुन भी ऐड करना। मेरे पास लहसुन नहीं था इसीलिए मैंने नहीं डाली हूँ, लेकिन लहसुन डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसके अंदर प्याज, हरी मिर्ची ये सारा इसमें ऐड कर लूँगी, और इसको प्याज को अच्छे से हम लाल कर लेंगे। लाल मीन्स ज़्यादा नहीं करना है, हल्का पिंक करना है, बस ज़्यादा नहीं, बस इतना ही। अब इसी स्टेज पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मटर, क्योंकि मटर हमारे कच्चे हैं ना, तो हमें इसको भी पकाना है, नहीं तो फ्लावर पके रहेंगे और ये कच्चे। फ्लावर हमारा 80% और मटर हमारे कच्चे रहेंगे, इसीलिए हमको मटर को भी प्याज के अंदर नमक ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। मटर भी अच्छे से गल जाने चाहिए। अब इसके अंदर 1/2 चम्मच मैंने हल्दी ऐड कर दी हूँ। हल्दी को भी अच्छे से पकना चाहिए वरना हल्दी कच्ची रह जाती है। इसको मसालों में डालकर अच्छे से हम भून लेंगे। अब यहाँ डालेंगे 1 चम्मच जीरे की बुक्की और इसको भी अच्छे से चला लेंगे। और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। ये कोई भी ब्रांड का आप गरम मसाला ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसका एवरेस्ट का गरम मसाला ली हूँ। अब हमारा मसाला थोड़ा नीचे लग रहा है, इसीलिए हम इसके अंदर 1/2 ग्लास पानी डाल देंगे। अब जब तक मटर गल नहीं जाते तब तक हमको इसको ढककर भुनना है 10 मिनट तक के। देखिए हमारे मटर भी अच्छे से गल गए हैं, मसाला भी अच्छे से भुन गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्लावर। फ्लावर को भी अच्छे से इसमें ऐड करके मिक्स मिला लेंगे। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ली हूँ। आप इसको मसाले में भी भून सकते हैं टमाटर को डाल के, लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़ा टमाटे अक्खे अक्खे उन लोगों को लगते हैं, इसीलिए मैंने ऊपर से डाली हूँ। आप मसाले में भी टमाटर को डाल के पका सकते हैं। अब मैं इसको 10 मिनट तक के दम पे रख दूँगी। अब हमारी हल्की सी भाजी और थोड़ी पकनी बाकी है। अब मैं इसको और ढककर रख दूँगी। दस मिनट हो गए हैं, अब हमारी भाजी डन हो चुकी है। मैं इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल करके डाल दूँगी। अब हम इसे खा सकते हैं। प्लीज़ गाइस एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत टेस्टी लगती है। अब इसको चावल के साथ, चपाती के साथ, बटर के साथ
बटर नान के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं। और प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए। देखिए कितनी यम्मी भाजी बनी है, आप भी इसी तरीके से बनाना। अल्लाह हाफिज़।